सकते हैं। इसलिए शंकर जी उन्होंने इस सब चीज को उन्होंने श्रृंगार किया। हाँ कहते उनका साथ में वरजात्री रूप में कौन है, बल इनका वरजात्री रूप में जितने भूत पिशाच, हाँ किसका दो सिर किसका चार सिर, कोई देखने में एकदम पतले कोई देखने में मोटे, किसका सिर पीछे किसका आध छाती पर, बड़ा भयंकर इनका सब इनका वरजात्री है। अभी शंकर जी को साथ में प्रसादित करने वरजात्री भी चाहिए ना, देवता लोग भी बोले जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी शंकर की शादी हो जाए। बोले क्यों शंकर जी की शादी हो जाए, बोले कि तारक नाम का राक्षस प्रकट हो गया, बड़ा भयंकर राक्षस जिसको शंकर भी परास्त नहीं कर पाए, इतना भयंकर राक्षस है। बोले ये मरेगा कैसे, बोले ये मरेगा ये शंकर जी के बेटे को हाथ में मरेगा, ये कार्तिक को हाथ में मरेगा, और उसने पूरा टहलका मचा दिया देवताओं को। इसलिए देवता चाहते जल्दी जल्दी शादी हो, हाँ जल्दी जल्दी शादी हो जाए, फिर तो बेटा होगा तो फिर मारेगा किसको, तारक राक्षस को मारेगा। इसलिए देवता लोग भी तैयारी हो गए, बोले हम भी वरजात्री बन करके जाएंगे। अभी वरजात्री बन करके सबके सब चल रहे हैं। जब अभी बेटी को घर में मेनका मैना और हिमालय ने पूरा अपना देश को हिमालय पर्वत को उन्होंने दुल्हन जैसे सजाया, क्योंकि वर यात्री आएंगे, हाँ बेटी की शादी होगी, सुंदर सुंदर तोरण बनाए उन्होंने, सुंदर सुंदर उन्होंने हाँ कहते स्वस्ति वाचन बनाए, सुंदर अपूर्व उन्होंने पूरा नगर को दुल्हन का भांति उन्होंने सजा दिया। शादी होगा, पता होगा शादी में कितना पैसा खर्चा करते हैं। अभी बेटी की शादी होगी धूमधाम से। अभी वर यात्री शंकर सबसे पीछे, हाँ बर और आगे आगे सब वर यात्री। जब वर यात्री आए सबके सब लोग माला लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि जब वर यात्री आएगा हम वर को माला पहनाएंगे। सामने सब देवता लोग थे, जब देवता लोग थे बड़े देखने में बड़े बड़े सुंदर है। उन्हें जब देखा, जिस देवता को देखे सोचते चार यही बर होगा, क्यों देखने में बड़े सुंदर है। पूछे भैया क्या तुम बर हो, बोले नहीं बर तो पीछे पीछे बर है। बोले भैया जिस बर यात्री अगर देखने में इतने सुंदर, फिर बर कितने बढ़िया नहीं होगा। हाँ फिर जब धीरे धीरे जब देवता लोग इंद्र आए चंद्र आए देखने में एक से एक सुंदर, पूछते भैया कि तुम बर होने के, तो बर तो पीछे हम तो उनको बर यात्री, इतने सुंदर सुंदर बर जाते बर कितना सुंदर नहीं होगा। और लास्ट में विष्णु के भक्त लोग वो भी गए थे साथ में बर यात्री बन करके, वो देखने में बड़े सुंदर विष्णु जैसे देखने में, जिसको देखे उनको लगता है शायद यही बर होगा। और माला लेकर के जाते हैं पहनाने के लिए, हाँ माला लेकर पूछते हैं भैया क्या तुम बर हो, बोले नहीं हम तो बर यात्री है, बर तो पीछे। सब लोग तो नाच उठे, भैया बर यात्री अगर इतना बढ़िया फिर बर कितना सुंदर नहीं होगा, सब नाच रहे हैं। लेकिन जब बर यात्री और मूल जो बर जब आए शंकर जी, हे भगवान भूत पिशाच नाचते कूदते हुए धूल आंधी जैसे आ गया तूफान। भूत पिशाचों को देख करके जितने वहां पर लोग स्वागत करने के लिए यात्री खड़े हुए थे, देख तो सब भाग गए, कोई एक भी नहीं रहे। बच्चे लोग तो दरवाजा लाकर बंद कर दिया, बोले क्या बात है, बोले भैया भूत पिशाच आ गए कहीं से खा जाएंगे, दरवाजा मत खुला करो। जब शंकर जी अपना घर यात्री को लेकर पहुंचे, बोले भैया तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ अगर कहीं वर यात्री कहीं जाए कितना भीड़ लग जाता है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई एकदम रास्ता साफ सुथरा है, कोई एक भी नहीं, हाँ जैसे कारपूल लग गया जैसे कहते बढ़िया व्यवस्था है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं। हाँ शंकर जब वहां पर पहुंचे, मैंने कहा तो बड़े सुंदर थाली सजा करके हाँ आई थी वर को स्वागत करेगी। जब मैंने कहा देखा भैया वर कौन है, जब शंकर जी को देखा बैल ऊपर बैठे हुए त्रिशूल और डंबर लेकर के गले में हड्डी का माला मुंड की माला और जटा जूट और हाथी का चमड़ा को पहन चादर रूप में और बाघ छाल,
मैया पार्वती आरती उतारने के लिए आई, भर को आरती किया उतारी कि शंकर जी का रूप देख करके आरती का थाला तो फेंक करके भाग गई और घर में भाग गई। भाग करके नारद जी को इतना गाली देने लग गई, ये नारद जी सबको घर को बिगाड़ते हैं, ये मेरे को बहका दिया, बोले शंकर जी को साथ में शादी करो, इसे अभद्र वेश भूत पिशाच को लेकर गया, पता नहीं कौन सा जन्म का शत्रु, अभी गाली देने लग गया नारद जी को। जब गाली देने लग गया शंकर जी को किसी ने पूछा, बोले शंकर जी क्या बात है, आपको आरती उतारने के लिए आए और खाली फेंक करके भाग गए, बोले ये क्या स्वागत है आपका, जो हाँ जो बनने वाली सांस खाली क्यों फेंक दिया, आरती क्यों नहीं उतारी। बोले आरती किसको उतारेगा जिसका तेज नहीं, मेरे शरीर में इतना तेज है, मेरे शरीर में चंद्रमा की इतना, मेरे शरीर का इतना तेज है, उसके सामने ये आरती का क्या तेज है। बोले भैया कम से कम बर जात्री आए ग्लास में तो पानी देते हैं ना, पानी पियो। बोले पानी क्या पिएंगे, मेरे शरीर पर स्वयं गंगा है पिएंगे तो गंगा पानी पी लेंगे, हाँ इसलिए तो साधारण पानी से क्या स्वागत करेगा। मैना तो इतने दुखी हो गई, जा करके भगवान नारद मेरे को कहां फंसा दिया, इतने सुंदर बेटी कहाँ फंसा दिया। इतने में नारद जी पीछे से आ रहे थे, इतने में देवता लोगों को पूछा, बोले बरजात्री आ गए, बोले नारद जी मत जाओ, बंधवा करके पिटवा पिटाई होगा तुम्हारी होगी मैना और पर्वत हाँ हिमालय बहुत आपके ऊपर बिगड़े हुए हैं, खबरदार मत जाओ, पिटवा जाओगे तुम। इतने में नारद जी मैना के पास में आई तो मैना इतने गाली दिया, बोले कौन सा जन्म का तुमने शत्रुता को तुमने आज तुमने क्या बोलते हैं हाँ तुमने यहाँ पर भोग करवाया और कुछ कसर बाकी रह गया, तुमने मेरे को कहा मेरे बेटी को तुमने फंसा लिया कहाँ पर तुमने। तब श्री नारद जी तब मैना को बताया, बोले देखो ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये बेटी तो शंकर जी की जन्म जन्मांतर की ये पत्नी है, पहले जन्म में ये थी सती, उन्होंने शरीर त्याग करके शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, ये शंकर जी की ही जन्म जन्मांतर की ये पत्नी है, तुम इनका बेटी मत समझो, ये जगदम्बा जगत जननी, ये तो तुम्हारी ऊपर में कृपा करने के लिए तुम्हारी घर में इसने जन्म लिया है और तुम अपना बेटी समझ लिया, तुम्हारी अहो भाग्य है तुम्हारी घर में ये जगदम्बा जगत जननी स्वयं पार्वती तेरे घर में जन्म लिया है। नारद जी खूब उनको समझाए, बोले शंकर जी साधारण नहीं, ये सत्यम शिवम सुंदरम श्री शंकर जी, अहो भाग्य है तुम्हारी शंकर जैसे दामाद तेरे को मिले। उन्होंने जब सब कुछ समझाए फिर मैना फिर संतुष्ट होगी, फिर शंकर जी के साथ में पार्वती की बड़ी धूमधाम से उनकी शादी होती है, शादी शुदा होकर के फिर तो बरजात्री को फिर उन्होंने विदाई दी। जब विदाई दिया अभी कहते अभी शंकर जी को सब शादी हुई, एक दिन शंकर जी सुंदर बट वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए अभी एक दिन शंकर जी जब भजन में बैठे हुए थे, इतने में माता पार्वती उनकी देखा, अभी शंकर जी बड़े शांत रूप में बैठे तब तो उन्होंने पार्वती आई, आ करके पार्वती उनको शादी को बाद में ये पार्वती प्रश्न करती है, बोले क्या करती है, बोले अतियारती पूछूं सुर राया, अतियारती पूछूं सुर राया, रघुपति का कहूं करी राया, रघुपति का यहाँ पर शादी को पहले अभी शंकर शादी हुआ, अभी पार्वती आई, जैसे ही संसार में देखो अगर किसका शादी हो गया, अगर पति अगर पत्नी से अगर पूछेगी पत्नी तेरे को क्या चाहिए, संसार का पत्नी क्या बोलेगा पति को, बढ़िया सिनेमा में ले चलो घुमाने के लिए, नहीं तो कहीं हनीमून मनाने के लिए चलो, हाँ नहीं तो कहीं घुमाने हमको ले चलो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया साड़ी ला दो,
नहीं तो हमारे लिए ये अलंकार गहना ला दो। संसार में पत्नी क्या बोलेगी, यही बोलेगी। शादी से पहले अगर पत्नी पूछे, पति पूछे क्या चाहिए, पत्नी यही बोलेगी हमको ये सारा दुनिया दो। लेकिन यहाँ पर ये पार्वती हमको शिक्षा दे रही है, पति अगर पूछे पत्नी को क्या मांगनी चाहिए, हमको क्या मांगनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का एक नाम, स्त्री का नाम एक नाम पत्नी। हमारी संस्कृत में जितने भाषा में शब्द है वो सबके सब हमारे भारतीय संस्कृत से युक्त उसमें है, सारे भारतीय संस्कृत शब्द में। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो शब्द रखा है ऐसे नहीं रख दिया, पति ऐसे नहीं रख दिया, पत्नी ऐसे नाम नहीं रख दिया, उसका अंदर में सब शिक्षा पूर्ण वस्तु है। इसलिए पत्नी मतलब होता है जब पतना त्रायते इति पत्नी, पत्नी वो है पति को पतन से जो बचा ले, पति को घिरने से जो बचा ले वो पत्नी है। हाँ, इसलिए पत्नी एक भोग का वस्तु नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र ने बताया सहधर्मिणी, जो पत्नी वो पति का धर्म में जो मदद करे वो पत्नी है। देखो सबसे पहले जब शंकर जी की शादी में जो प्रश्न किया वो क्या बोल रही है, कहते हे प्रभु अगर कुछ आप मेरे को देना चाहते हो हमें प्रभु राम की कथा सुनो, मैं आपको इसलिए शादी किया, शादी करने का और कोई कारण नहीं, आपसे बढ़िया बढ़िया गहना हाँ और अलंकार और हमको घुमाने के लिए ले जाओ, नहीं, पत्नी विषय भोग की वस्तु नहीं। इसलिए हमारे संस्कृत में कहते कृष्ण दासी, हाँ हमारे कहते ना कृष्ण दासी, पत्नी को कृष्ण दासी कहते हैं जो हमको कृष्ण भजन में मदद करे। इसलिए संतों का कहना बोले स्त्री का दो रूप है, कहते एक महामाया रूप और एक जोग माया रूप है, हाँ? कहते ये जो महामाया रूप में जो पत्नी, कहते एक पत्नी पति को भगवत धाम में ले जा सकती है और एक पत्नी को सीधा नरक में ले जा सकती है। अगर जोग माया रूप में हो पत्नी पति को भजन में मदद करती है, इसलिए गोविंद दाम और दर माधवेती को भजन में गाते हैं। पत्नी पहले उठती है, उठ करके पति को जगाती है, बोले पति जल्दी जल्दी उठो, सूर्य अस्त होते हुए जा रहा है, सूर्य निकलते हुए जा रहे, अभी सो रहे, उठो जल्दी उठो पति, कृष्ण नाम गाओ, गोविंद दामोदर माधव, उठो कब तक सोओगे, जल्दी उठो भगवान का नाम लो। ये सूर्य रूपी अस्त मतलब ये काल हमारे सबके सब, ये काल हमारे नष्ट होते जा रहा है, मत सो उठो जल्दी जगो और भगवान का नाम लो। बोले ये पत्नी है जो पति को भजन में मदद करती है। इसलिए यहाँ पर पार्वती प्रश्न कर रही तो मेरे को केवल प्रभु राम की कथा सुनाओ, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जन्म जन्म में गधे सुअर पेड़ पौधा कितने जन्म में भटकते भटकते यही विषय को हम भोग करते करते आए। अगर ये मानव शरीर पा करके अगर विषय भोग में लगा दिया तो फिर जीवन का क्या महत्व रह गया। तब देखो यहाँ पर शंकर जी पार्वती को क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं शंकर जी, बोले जिन्नी हरि कथा सोनी नहीं काना, जिन्नी हरि कथा सोनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भावना समाना, श्रवण रंग आई भावना समाना, नयन कतन नयन कतन लोचन मोर आलोचन मोर कहिले। शंकर जी कहते पार्वती भगवान ने जितने सारे इंद्र दिया है, हाँ? अगर इन्हीं हाथों को पार्वती अगर प्रभु को सेवा में हम नहीं लगाते, ये हाथ क्या है, बोले यहाँ से यहाँ तक तुमने अलंकार पहन कर रखे हो,
लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो, बल्कि हाथ नहीं कर ये मरा हुआ हाथ है हाँ? कर इन्हीं जो भगवान ने आंख दिए हैं और इन्हीं से ठाकुर का दर्शन नहीं कर रहे हो, कर ये मोर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है, वो आंख को क्या लाभ है? कर ये सिर को अगर ठाकुर जी के चरण में प्रणाम नहीं, बात नहीं करना, ये सिर को अगर प्रभु का चरण में प्रणाम नहीं करते हो, फिर ये सिर क्या है? एक भार मात्र है जो संसार में डुबा देगा। बोले जिन्हें कानों में हरि कथा नहीं सुनते हो, बोले कान नहीं ये दो बीन मात्र है जिसमें काल और सर्प निवास कर रहा है, बोले इन चरण को ठाकुर जी के मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा में नहीं लगाते हो और प्यार नहीं, बोले ध्रुव जन्म भाजो, ये तो केवल दो, ये तो केवल वृक्ष जैसे है हाँ, केवल खड़े हुए वृक्ष जैसे। इसलिए हे पार्वती, तुम्हारी प्रश्न सुन करके मेरे हृदय गदगद हो गया। ऐसे पत्नी जो कि केवल पति को भगवान की कथा भगवान के भजन में जो मदद करे, शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके फिर पार्वती प्रश्न करती, बोले प्रभु ये 87,000 साल तक आपने तपस्या की है लेकिन अभी भी मेरे मन में शंका नहीं गई, अभी भी मेरे मन में शंका नहीं गई। बोले किस चीज की शंका? बोले ये शंका जब सीता रावण को चोरी करके ले गया उसी समय सती के मन में शंका हो गई थी हाँ? उसको बाद में पार्वती होकर के जन्म ली। बोले अभी भी मेरे मन में शंका है, ये जो राम है ये क्या भगवान है क्या? इसलिए आप कृपा करके हमें बताओ ये राम किस लिए जगत में प्रकट हुए हैं, इसका कारण आप कृपा करके मुझे बताओ। तब शंकर जी प्रसन्न होकर के प्रेम में गदगद होकर के यहाँ पर उन्होंने 4-5 कारण बताए जगत में राम, क्यों जगत में भगवान राम ने जन्म लिया, इसका क्या कारण है। तब यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती जगत में प्रभु राम जन्म होने का क्या कारण है? बोले जब जब हो इधर माके हारी, जब जब हो इधर माके हारी, हर हरिया को रहता अभिमानी, हर हरिया को रहता भगवान क्यों जगत में आते हैं? तो धर्म का जब हानि हो जाए अधर्म बढ़ जाए, भगवान युग युग में प्रभु जन्म लेते हैं। यहाँ पर प्रभु प्रकट का पहला कारण बताए, बोले पहला कारण क्या है? बोले पहला कारण है, बोले एक समय वैकुंठ से भगवान का चरण का तुलसी और उसका चंदन उसका खुशबू ये वैकुंठ से बहते हुए आया ब्रह्मलोक में। अभी ये चतुसन की नासिका में प्रवेश किया, अभी ये चतुसन घ्राण को लेकर के एकदम उन्माद हो गए और वो गए वैकुंठ में गए। जब वैकुंठ में गए 6 दरवाजे अंदर तो कोई रोक टोक नहीं रहा, जब सप्तम दरवाजा में पहुंचे जय विजय उनको प्रवेश करने नहीं दिया, प्रवेश करने नहीं दिया तो जय विजय को चतुसन ने अभिशाप दे दिया। बोले भगवान का दरबार में कोई रोक टोक होता है? ये वैकुंठ है और हम जैसे ऋषियों का तुम रोक लगा दिया, बोले हम तुमको अभिशाप देता हूँ, जाओ तुम दोनों राक्षस जोनि में चले जाओ। अभी इसको सुनते ही रोने लग गए। इतने में प्रभु नारायण आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले कोई चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा है, नहीं तो वैकुंठ से कोई पतन नहीं होता है। बोले प्रभु जी का क्या इच्छा है? बोले भगवान को बताया अखिल रसामृत मूर्ति,
सारे रस का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, लेकिन प्रभु तो सारे रस को आस्वादन किया है, लेकिन एक रस प्रभु आस्वादन नहीं किया। बोले कौन सा रस? बोले वीर रस, बोले लड़ाई के युद्ध रस प्रभु अभी आस्वादन नहीं कर पाए। बोले किसको साथ में लड़ाई झगड़ा करूं? बोले लीला तो मैं भक्तों को साथ में कर सकता हूँ, दूसरों को साथ में है ही नहीं। इसलिए भगवत इच्छा से ये चतुसन आए और अभिशाप दिया, राक्षस बनकर जाओ। भगवान ने कहा देखो अगर तुम भक्त रूप में जाओगे सात जन्म के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो फिर तुम तीन जन्म के बाद में मेरे पास में आ जाओगे। बताओ तुम किस रूप में जाना चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं हम जल्दी जल्दी आपके पास में हम जल्दी जल्दी चले जाए। बोले जाओ तुम लोग फिर राक्षस बन करके जाओ। फिर वही पहले अवतार में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं और भगवान वराह और नृसिंहदेव इनको वध किया। फिर दूसरे जीवन में ये रावण कुंभकर्ण बन करके आते हैं, फिर भगवान राम उनको वध करते हैं। तीसरे जीवन में शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए, फिर इनको भगवान कन्हैया ने इनको वध करके उद्धार किया है। यहाँ पर शंकर जी बोले पार्वती ये एक पहला कारण है। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले दूसरा कारण बताए, एक जलंधर नाम के एक दैत्य हुआ, बड़ा भयंकर दैत्य हुआ, शंकर भी उनको परास्त नहीं कर पाए। कहते उनकी पत्नी का नाम थी तुलसी, ये तुलसी बड़ी सती थी। बोले जब तक उनकी पत्नी की सतीत्व को कोई नष्ट नहीं करे उसको कोई मार नहीं सकते। तब भगवान विष्णु ने जलंधर रूप धारण करके उनकी पत्नी की सतीत्व को नष्ट की। फिर कद वही जलंधर ही कद ये रावण बन करके आए, कद ये भगवान प्रकट होने का ये कद ये दूसरा कारण है। कद तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण बताए, बोले नारद सा पत्नी एक बारा, नारद सा पत्नी एक बारा, काल पाए तेरी लागी अवतारा, काल पाए तेरी लागी अवतारा। तीसरा कारण बताए, कभी नारद जी भगवान को अभिशाप दिया, इसको सुन करके पार्वती को मन बड़े कष्ट हुआ। बोले मेरे गुरु जी नारद जी कौन है? बोले पार्वती के गुरु जी। अगर कोई बोल दे तुम्हारी गुरु जी को बाहर में थोड़ी उल्टा पुल्टा बोल दे, हम सुन सकते हैं गुरु जी को बाहर में कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा? कोई नहीं सुन सकता है। हाँ गुरु जी की उन्होंने बोल दिया तुम्हारा गुरु जी किसको अभिशाप दिया? बोले जिसको तिसको नहीं। बोले किसको अभिशाप दिया? बोले भगवान विष्णु को। पार्वती बोली मेरे गुरु तो कभी गड़बड़ी कर ही नहीं सकते, कि मेरे गुरु जी तो साधारण है ही नहीं। हाँ क्योंकि जब गुरु जी एक बार हम गुरु जी को चरण में आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर गुरु जी की कभी भी हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु जी का निंदा सुनना अपराध है। बोले मेरे गुरु जी तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकते हैं, लगता है भगवान ने कुछ दोष किया हो। मेरे गुरु जी का भी दोष नहीं कर सकते, बोले भगवान दोष कर सकते हैं लेकिन मेरे गुरु जी दोष नहीं कर सकते। इसका मतलब है गुरु जी का प्रति हमारी इतने दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। बोले भगवान भले ही कभी गड़बड़ कर ले, लेकिन मेरे गुरु जी कभी गड़बड़ नहीं कर सकते। फिर गुरु जी की प्रति इतने हमारी दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। इसलिए सती बोले मेरे गुरु जी कभी गड़बड़ कर नहीं सकते, जरूर नारायण कुछ गड़बड़ किए होंगे। हाँ तब यहाँ पर प्रश्न करती है पार्वती, बताओ किस लिए मेरे गुरु जी अभिशाप किया? जरूर कुछ भगवान गड़बड़ किए होंगे। तब उन्होंने सुनाया, बोले देखो ये दक्ष प्रजापति ने नारद जी को जब उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले मेरे सारे बेटे को तुमने तुम जैसे भिखारी हो, हाँ और मेरे सारे बच्चे को तो भिखारी बना दिया, हम तुमको अभिशाप देता हूँ, हाँ एक क्षण भी कहीं एक जगह में टिक नहीं सकते हो, टिकोगे तब तो दूसरों को बिगाड़ोगे। अभी नारद जी सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं,
करते करते नारद जी पहुंच गए हिमालय में। बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा मनोरम स्थान है। तब नारद जी वहां तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठ गए तो इंद्र को डर गया, बोले हे भगवान ये इतना कठोर तपस्या कर रहा है। इंद्र सोचा हो नाम मेरे राज्य को ये ले नहीं आए, इसलिए उन्होंने डर गए। डर करके उन्होंने इंद्र ने कामदेव को बुलाया, रंभा उर्वशी मेनका ये सबको उन्होंने बुलाया, बोले नारद जी का भजन तोड़ दो। लेकिन नारद जी तो साधारण है, वो तो परम भगत है। उन्होंने बड़े कोशिश कर दिया, कामदेव ने सारे कोशिश कर लिया, लेकिन नारद जी का भजन को उन्होंने किसी तरह से नारद जी का भजन को टस से मस नहीं कर पाए। जब टस से मस नहीं कर पाए उन्होंने गाते गाते हार गए। ढोलकी बजाते बजाते तो हम लोग फट गया, गाते गाते उनका गला भी सूख गया, नाचते नाचते प्यार थक गया रंभा और बस मैंने कहा। लेकिन नारद जी का भजन में टस से मस नहीं हुआ। बोले इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा है। फिर कामदेव लास्ट में हाँ नाचते नाचते उनका चरण में गिर गया। जितने अफसर सब नाचते नाचते गिर गए, बोले श्री नारद बाबा की। उन्होंने नारद जी बोले बाबा जी आपका जय जयकार हो, आपका भजन को कोई तोड़ नहीं सकते हैं आपका भजन को। जब उन्होंने इतना बोले वास नारद का छात्र इतना बड़ा हो गया। बोले ये शंकर को भी माया ने, शंकर जी को भी पतन कर दिया, ये माया में इतनी शक्ति है। शंकर जी का भी अभिमान हो गया, भगवान के मोहिनी रूप देखने के लिए चाह। लेकिन भगवान के मोहिनी रूप शंकर जैसे व्यक्ति मोहिनी रूप देखकर पागल हो गए, सती को पत्नी को छोड़ दिया और नंगे होकर के उनको पूरा घुमा दिया शंकर जी को माया। ब्रह्मा जी का भी कभी अभिमान हुआ, वो अपना बेटी का प्रति आसक्ति हो गए, ये माया इतना बलवती। कभी विश्वामित्र को भी कठोर तपस्या कर रहे थे पहाड़ के ऊपर में, मेनका वहां प्रकट हो गई, बस भजन साधन गया, संतों को संसार में लगा दिया। इंद्र जैसे व्यक्ति अहल्या के प्रति आसक्ति हो गई, कितना दुर्गति भोगना पड़ा। इसलिए ये काम किसी को नहीं छोड़ा, ये माया किसी को छोड़ी नहीं, इतने शक्ति ये माया में है। बस नारद जी का अभिमान हो गया, जो काम कोई नहीं कर पाई वो काम को मैंने कर दिया। बस उन्होंने गए ब्रह्मा जी को, बोले बोले पिताजी आप जो काम नहीं कर पाए मैं वो काम कर दो। राम ने खबरदार बोलना नहीं, तुमको पता नहीं ये माया की कितने शक्ति। बोले इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे को बहावा नहीं दे रहे। शंकर जी के पास नहीं गए, बोले आप तो मेरे बड़े भैया हो, सत्यम शिवम सुंदरम, आप जो काम नहीं कर पाए वो काम को मैंने कर दिया। बोले क्या किया, बोले माया को जीत लिया। बोले राम 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 राम, बोलना नहीं करना, तेरे को पता नहीं ये माया में कितने शक्ति। बोले खबरदार मेरे को बोल दिया, लेकिन भगवान विष्णु को बोलना नहीं। नारद जी का भैया ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों बोला, भगवान विष्णु को नहीं बोलना, मैं इतना बड़ा काम कर दिया जो काम कोई नहीं कर पाए। और बोले भगवान विष्णु को बोलना नहीं, बोलना तो उनको ही बोलना चाहिए भाई जो काम मैंने किया। बस नारद जी अपना वीणा उठाए, सीधा वैकुंठ में गए। उन्होंने भगवान को बोले, बोले प्रभु जो काम जगत में कोई नहीं कर पाए मैं वो काम कर दिया। बोले क्या किया, बोले माया को मैंने जीत लिया। भगवान ने कहा इसका फोड़ा हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ इसका अभिमान हो गया है, हाँ इस सबको उन्होंने नेग्लेक्ट कर रहा है। इतने में भगवान ने कहा देखो एक तो मायापति में और तू मेरे बेटा हो, माया को जीतोगे, हाँ इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, खूब बहावा दिया। बोले भगवान ही अकेला जो सबको सम्मान दे सकते। नारद जी उतर रहे थे, इतने में भगवान बीच में एक स्वयंवर सभा रचना कर दिया, जिसमें अपूर्व एक कलावती नाम की एक सुंदरी उन्होंने लड़की को सृष्टि कर दिया, हाँ और एक राजा को बना दिया स्वयंवर सभा में। वो बेटी जिसको गले में माला डालेगी वही पति बनेगा। जब नारद जी उतर रहे थे, राजा ने नारद जी को स्वागत किया, बोले मेरे बेटी का थोड़ा हाथ देख लो। नारद जी उसको हाथ देख करके बोले हे भगवान ये बेटी तो साधारण है, ये बेटी को साथ में जिसके शादी होगी वो तो घर में लक्ष्मी चिर उसको घर में टिकी रहेगी, लक्ष्मी अचला रूप में रहेगी और उसका पति कभी मरेगा नहीं, उसका पति का जस सारा दुनिया में जाएगा। नारद जी उसका रूप इतने सुंदर थी वो लड़की राजकुमारी, नारद जी का मुंह में तो पानी आ गया। बोले भैया सब जुड़मा जुड़मा लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम इंद्र सची,
ये सब सब जुड़वा जुड़वा मैं अकेला हूँ, ये तो इसका अंदर में सारे सद्गुण हैं। उसने क्या किया, वो बात को हृदय में छुपा करके वो इसी जगत में क्या आएगा, सीधा नारायण को पास में गए, बोले प्रभु आपसे मैंने कभी कोई चीज मांगा ही नहीं, एक चीज थोड़ी समय के लिए मांगना चाहता हूँ। बोले क्या, बोले ये आपका ये सुंदर रूप मेरे को दे दो। भगवान का ठीक है, जैसे तुम्हारी कल्याण हो मैं ऐसे ही किया है। उसने सोचा से तो प्रभु ने मेरे को अपना रूप दे दिया, वहां से सीधा उतरा, उतर करके वो बेटी वरमाला लेकर के घूम रही थी, वो बेटी जहां जाए नारद जी अपना सिर को वहीं पर बढ़ा दे, लेकिन उसका मुंह तो काला बंदर का मुंह, वो बेटी रूप देकर नाक सिकुड़ी हुई दूसरे तरफ में चली जाती है। नारद जी सोच रहे लगता है इसका नजर मेरे ऊपर में पड़ी नहीं रहा है, इसने माला नहीं डाल रही, वो लड़की जिधर जाए फिर घूम कर उधर आ जाए, पूरा वहां पर चक्कर लगा दिया। इतने में भगवान नारायण गौरी को पीठ पर बैठ करके आए, बेटी गला माला में डाली, फिर वहां से भगवान उसको लेकर चल पड़े। इतने में वहां शंकर जी के दो दूत थे, वो दो ब्राह्मण रूप धारण करके आए थे और उसको खिली उड़ा रहे थे, बड़े सुंदर देखने में, बड़े सुंदर है, लड़की तो जरूर मरा देगी तुम्हारे गले में, उसको बहावा बढ़ा रहे थे, उसको पता नहीं चल रहा था। जब लड़की को भगवान लेकर के चले गए, वो दोनों ब्राह्मण ने कहा, बोले अपना मुंह तो थोड़ा देखो सही, एक पानी को अंदर में देखो अपना मुंह को देखा, पूरा काला बंदर का मुंह था। फिर तो उसको क्रोध आया, भगवान नारायण को उन्होंने अभिशाप दिया, बोले लगता है तुम्हारे ऊपर में और कोई है नहीं तुमको शासन करने वाली, इसलिए तुम्हारी इतने घमंड हो गया। भगवान को बोलने लगे हाँ, और मेरे को बोले मैं अपना रूप दे दिया और बीच में आकर के उसको उठा कर लड़की को ले गए और काला बंदर मुंह मेरे को दे दिया। इतने में भगवान को तो नारद जी अभिशाप दे दिया, बोले मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, जिस लड़की को पीछे मेरे को तुमने ये दर दर भटका लिया, इसी लड़की को पीछे एक दिन तुम्हें भी दर दर भटकना पड़ेगा। जब इतना बोले भगवान अपना माया को भगवान हटा लिया, देखा लड़की फड़की कुछ है ही नहीं, वहां पर नारद और नारायण और कुछ है नहीं। फिर नारद जी देखा ही भगवान मेरा मन में तो अभिमान हो गया था, माया तो मैंने जीत लिया, लेकिन ये यहाँ पर माया में मुग्ध हो गया। इतने में नारद जी भगवान से बोले, बोले प्रभु आप तो स्वयं शादी कर लिया लक्ष्मी को साथ में, हाँ लक्ष्मी को साथ में, और मेरे को ये माया से क्यों हटाया, और ये बंदर मेरे को बंदर आपने क्यों बनाया। भगवान ने कहा नारद जी तेरे को तो मेरे को बाहवा देनी चाहिए, मेरा गुणगान करनी चाहिए, मेरे हाँ मेरा जसगान गानी चाहिए। बोले क्यों, बोले नारद जी तेरे को एक दिन मैंने बंदर बना करके एक बार बंदर बनाने से तेरे को मुक्त कर दिया। बोले प्रभु इसका मतलब क्या है, बोले मतलब क्या, अगर तुम शादी कर लेता ना फिर जिंदगी भर बंदर का नाच तुमको पत्नी को सामने नाचना पड़ता, इसलिए मैंने तुमको एक दिन बंदर बना करके जिंदगी भर, वो वहां पर एक श्लोक है पत्नी को सामने नाचियो बंदर जैसे, वहां पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी की ये दोहा है वहां पर बताए, हाँ कैसे पति कैसे पत्नी को सामने कैसे बंदर जैसे कैसे नाचता है। इसलिए एक संत बोल रहे थे, बोले भैया कीर्तन करते हैं नाचो, तब श्रोता लोगों ने कहा भैया हम तो थोड़ा यहाँ चैन से आने चाहते हैं। बोले क्यों, बोले घर में तो पत्नी को सामने बंदर जैसे नाचना पड़ता है, हम चाहते कम से कम कथा में थोड़ा हमको चैन मिले, यहाँ पर भी चैन में रहने नहीं, तो बोले यहाँ भी नाचो, हम तो घर में नाचते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा नारद जी मेरे को बहावा देनी चाहिए, हाँ क्यों तुम तो जिंदगी भर के लिए बंदर से मैंने बचा दिया, बंदर जैसे नाचने के लिए बचा दिया, लेकिन ये जो बात है ये बात है ये साधारण लोग के लिए, ये भक्त के लिए ये बात नहीं है, ये भक्त घर के लिए नहीं है। क्योंकि जो पत्नी है कभी कभी पति से ज्यादा भजन करने वाली पत्नी होती है, कभी कभी पति बहुत नालायक होता है भजन नहीं करना चाहता है, लेकिन पत्नी अगर भक्ति करती है पत्नी पति को भजन में लगाती है, बोले क्या करो माला जप करो भजन करो हरिनाम करो ये करो, पत्नी
क्योंकि पत्नी है जो पत्नी से पति को बचाए, इसलिए जो भक्ति करने वाले जो स्त्री है उन्हीं के लिए ये बात नहीं, उन्हीं के लिए तो पत्नी उनको भगवान के चरण में पहुंचाने वाली, ये तो कृष्ण दासी है। लेकिन ये दुनिया के लिए जो भजन नहीं करते हैं उन्हीं के लिए ये बात है। इसलिए यहाँ पर शंकर जी बताए कि ये बहुत सारे कारण हैं भगवान जगत में अवतीर्ण होने का। अभी ये लोगों ने अभी रावण कुंभकर्ण और विभीषण रूप में कभी ये जन्म लेता है। हाँ, ये जय विजय ने जन्म लिया, जब जन्म लिया रावण ने जगत में इतने टहलका मचा दिया, इतने बलवान, उन्होंने ब्रह्मा शंकर जी को उपासना की और ब्रह्मा शंकर जी से वर मांगे, हमको ये वर दीजिए कि बोले दो व्यक्ति को छोड़ करके जैसे हमें कोई मार नहीं सके। बोले कौन? बोले एक इंसान और एक बंदर, केवल इंसान बंदर को छोड़कर हमको कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा शंकर से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा शंकर वरदान दे दिया और विभीषण ने भगवान के चरण में भक्ति मांगी और उन्होंने रावण लंकापुरी में उन्होंने अपना राज्य को बैठा दिया। इतने बड़ा उसका परिवार था, कभी लंकापुरी त्रिकोट पर्वत नाम का इसका था, अद्भुत इनको मय दानव ने अद्भुत उन्होंने बनाया। कहते अमरावती जो स्वर्ग है बल उससे भी ज्यादा सुंदर है कहते लंकापुरी। पहले यहाँ पर कुछ गंधर्व लोग देवता लोग निवास करते थे, लेकिन रावण ने उनको मार मार कर भगा दिया और लंका के ऊपर में अपना आधिपत्य विस्तार कर दिया और उन्होंने आदेश दिया कि देवता लोग हमारे शत्रु है, इनको किसी तरह से मारो, कहीं यज्ञ करने नहीं दो, गायों को वध करो, कहीं भगवान का भजन नहीं कर पाए, जगत में कोई भगवान की भक्ति उपासना होनी नहीं चाहिए। और इनका पुत्र पौपोत्र ने जगत में टहलका मचा दिया, जगत में कहीं भी ठाकुर का नाम कीर्तन यज्ञ कथा कहीं भी नहीं। अभी पृथ्वी बड़ी दुखी होकर उन्होंने गए पितामह ब्रह्मा जी को पास में, फिर ब्रह्मा जी शंकर जी को पास में गए, फिर इंद्र सारे देवता लोग, सोचा अभी क्या करनी चाहिए, बोले भगवान को स्मरण करो। बोले भगवान कहाँ है? बोले भगवान दो जगह में, बोले एक तो भगवान वैकुंठ में और एक भगवान क्षीर समुद्र में, ये दो जगह में ठाकुर जी मिलेंगे। इतने में शंकर जी कहते बोले पार्वती, लेकिन मैंने एक बात बताया जिसको सुनकर लोग खुश हो गए। बोले भगवान तो सर्व, भगवान तो है दो जगह में, लेकिन भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान है नहीं कहाँ पर। इसलिए हरि व्याप्त सकल सर्वदा, हरि प्रेम ते प्रकट हो जाए। बोले हरि तो सब जगह में है, लेकिन केवल प्रेम के द्वारा हम भगवान को प्रकट करनी चाहिए, भगवान कण कण में व्याप्त है। इसलिए भगवान को चलो, हम भगवान को सब के सब मिल करके हम भगवान को पुकारेंगे, फिर भगवान प्रकट होंगे। सारे देवता लोग फिर भगवान को पुकार रहे हैं, बोले जय जय सुर नायक, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान संतुष्ट होकर के गंभीर स्वर से भगवान ने कहा,
कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी जगत में प्रकट हो रहा हूँ। बोले हे देवताओं, तुम लोग सबके सब जा करके बंदर रूप में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर लो। हाँ, अभी मैं जल्दी जल्दी प्रकट होकर के ये पृथ्वी का सारे भार को मैं उतार लूंगा। भगवान ये बोल दिया, जो बोल दिए अभी भगवान, अभी श्री दशरथ महाराज की कथा आता है, शंकर जी कहते पार्वती और प्रकट अभी भगवान कहाँ पर होएंगे। बोले श्री दशरथ नाम के एक राजा थे, कहते उनका नाम क्या, बोले इनका नाम दशरथ है। दशरथ मतलब है दस दिशा में जिनका रथ चलता था। कहते इनको घर में सारे सुख है, लेकिन एक चीज की कमी है घर में, घर में कोई संतान नहीं, इसलिए वो बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने बड़े दुखी होकर के उन्होंने अपना पुरोहित श्री वशिष्ठ को जाकर के बोले, बोले गुरुजी ठाकुर के आशीर्वाद से मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में एक चीज की कमी है, घर में मेरे कोई संतान नहीं। बोले एक समय दशरथ महाराज क्यों दुखी थे, इसका दो कारण बताए। बोले पहला कारण बताए, ये दशरथ महाराज इतने पराक्रमी हुए, कहते नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो जाकर के इंद्र आसन में बैठ सकता है, लेकिन ये विश्वामित्र जी हमारे दशरथ महाराज इतना पराक्रमी थे, जब ये जाते थे स्वर्ग में इंद्र आधा आसन छोड़ देता था, आधा आसन में इंद्र और आधा आसन में दशरथ महाराज बैठते थे, इतने पराक्रमी दशरथ महाराज हुए। अभी जब वो स्वर्ग में जाते थे, अभी इंद्र एक सुंदर पुष्प की माला, जो पारिजात पुष्प जो इसी मरते जगत में नहीं होता है, वो केवल स्वर्ग में होता है, जो पुष्प कभी नहीं मुरझाता, इंद्र एक सुंदर पारिजात के पुष्प की माला श्री दशरथ महाराज गले में देते थे। हाँ, अब दशरथ महाराज जब आते थे वो स्वर्ग से वो माला को लेकर के आते थे, ये पत्नियां पूछती थी, बोले आप स्वर्ग से हमारा लिए क्या लाए हो, तब ये फूल की माला देते थे, ये पारिजात पुष्प है, केवल ये स्वर्ग लोक में उपलब्धि और फूल कभी मुरझाता नहीं, ये पत्नी को देते थे। एक दिन उन्होंने गए, इनको गले में एक माला पहनाई, जैसे हमारे गले में माला पहनाते ना, फिर क्या करते हैं, ये माला को उतार करके फिर रख देते हैं। उन्होंने माला को उतार करके सिंहासन में रख लिया था, जब उन्होंने उधर से वापस आए, थोड़ी दूर आए तो उनको याद आ गया, हम तो फूल की माला छोड़ करके आ गया, जाते ही रानियां हमें प्रश्न करेगी। हाँ, इतने में जब उन्होंने वापस गए, देखा जिस सिंहासन में बैठे हुए थे रत्न के सिंहासन, उसको धुलाई पुछाई कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा कर रहे हैं। दशरथ महाराज ने पूछा, भाई इसको साफ सुथरा क्यों कर रहे हो। इतने में इंद्र ने कहा, दशरथ महाराज आप दुखी मत होना, इसलिए हम साफ सुथरा कर रहे हैं, आपका संतानहीन है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे थे, इसलिए ये स्थान अपवित्र है, इसलिए हम ये स्थान को साफ सुथरा कर रहे हैं। इसको सुन करके दशरथ महाराज इतने दुखी हुए, बोले पुत्रहीन हो तो इतना दुख कष्ट है, हाँ? जिस आसन पर बैठे वो आसन भी गंदा। हाँ, फिर उन्होंने एक दिन देखा, कहते श्री वशिष्ठ जी का जो पत्नी अरुणधती, अरुणधती का जो बेटा एक दिन रो रहा था, तब दशरथ महाराज बोले तू क्यों रो रहे हो। बोले इसलिए मैं रो रहा हूँ, हमारा तो काम पुरोहित का काम, मेरे पिताजी आपका पुरोहित का काम किया करके अपना संसार को लालन पालन किया, अभी मैं किसका पुरोहित बनूं, क्योंकि आपका तो संतान है ही नहीं, फिर मेरा जीवन का जीवन निर्वाह कैसे होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। दशरथ महाराज तो बड़े दुखी हुए, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को बोला, तो वशिष्ठ जी बोले ठीक है, अब हम शरद जी को किनारा में हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ से चौरु निकलेगा, जिस चौरु खा करके एक एक पुत्र नहीं, आपको चार चार ही पुत्र होने वाले हैं। इतने में सुमंत्र ने कहा, बोले देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सत्य युग में कभी कभी ब्रह्मलोक में कभी एक सभा बैठा था, जहां पर चतुसन थे, मैं कभी वहां पर था, वो बोल रहे थे यज्ञ विधि विधान को साथ में होनी चाहिए, तब तो वो यज्ञ फलदायी होता है, और ऐसे व्यक्ति यज्ञ करे
जो बचपन से जन्म से आकुमार ब्रह्मचारी हो, और आठ तरह का ये मैथुन होता है, आठ तरह का मैथुन, मतलब आठ तरह का मैथुन से जो संपूर्ण अलग हो, मतलब मैथुन मतलब स्थिति संग है, जैसे मानसिक रूप में, डायरेक्ट रूप में, चिंतन रूप में, दर्शन रूप में, बहुत रूप में ये चीज होता है, लेकिन ये आठ तरह का होता है, लेकिन ये आठ तरह से जो संपूर्ण अलग हो, जिनका हृदय में कहीं भी काम का कहीं लवलेस नहीं हो, अगर ऐसे व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा तो वो यज्ञ से जो चौरु निकलेगा उसको खा करके फिर संतान होंगे। बोले भैया ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कहाँ से? बोले हाँ, एक विभांड नाम का ऋषि है, उनका एक पुत्र है, एक समय विभांड ऋषि पानी में वो तर्पण कर रहे थे, इंद्र डरते हुए एक अप्सरा को भेजा, अप्सरा को देख करके उनका वीर्य स्खलित हुआ, उसके एक हिरण ने पान किया, वो हिरण का गर्भ से एक संतान हुआ है, उसका एक सिंह, उसका नाम ऋषभ सिंह है, लेकिन उनको लाना भी बहुत कठिन है, वो पिताजी को पास में रहते, बचपन में स्त्री देखा ही नहीं, तब वहां के जो वैश्याएं थी बोले ये काम हम करेंगे, तब ये वैश्याओं ने उनको भुला भटका कर किसी तरह से उनको लाए, ला करके फिर उन्होंने ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो वहां से चौरु निकली, वो चौरु को फिर महाराज ने ये चार राम को पहले दो भाग किया, एक तो कौशल्या को दिया, एक एक कैकेयी को दिया, अभी कैकेयी के लिए जो दिया था उसको दो भाग किया, दो भाग करके एक तो कैकेयी को दिया, जो एक भाग बच गया उसको फिर दो भाग किया, दो भाग करके कौशल्या और कैकेयी इनका अनुमोदन से उन्होंने सुमित्रा को दिया, फिर ये चार रानियों ने फिर गर्भवती रही, गर्भवती रहने पर अभी भगवान जन्म होने वाले हैं, भगवान जन्म होने से पहले साधारण जगत में कोई राजा आए उसके लिए कितने स्वागत होता है, अभी साक्षात भगवान आ रहे हैं, ये पृथ्वी तो एकदम दुल्हन की भांति ये पृथ्वी सज गई, क्योंकि भगवान स्वयं आने वाले, देवता लोग आकाश मार्ग से आकर के गर्भ स्तुति कर रहे हैं भगवान की, अभी भगवान अभी जन्म लेंगे। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राधे। बोले भगवान कौन सा दिन जन्म लिया है? बोले नवमी तिथि में, आप लोगों के पास में वो होगा ना, निकाल लो, भगवान जो जन्म हुई उसको जो गाते हैं उसको निकाल लो, गा सकते हो? हाँ भाई, प्रकट दयाला दीन, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, अगर किसको पास में हो निकाल लो, भगवान राम जन्म लेंगे उसको एक साथ में पढ़ लो, ये चीज को ठीक है, अब भगवान राम का बधाई गा लो, ठीक है, इसको हम दो लाइन पढ़ लेता हूँ, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हरषित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अनुजन श्यामा नीजायत भुगचारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी बहादुर कर जोड़ी आसुति जोड़ी माया गुण जाना माना वेद पुराण बनाता करुणा सुत सागर तब गुण आगर जे की तुति जाता को मम हित लागी जन अनुरागी मयूत कटित सस्ता ब्रह्मांड निकाया Hey.
पुनी बोली शोभ की बोली अजंता सही अरूपा के सुगला अति अति प्रिय केला प्रिय सुख परम अनुपा पुनी वचन सुजाना रोदन गाना ओई बालक प्रभुपा अभी भगवान राम एकदम दिन दो बार में भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही दशरथ महाराज देख रहे थे कब घर में लाला आओ। हाँ, इतने में एक दासी आकर के दशरथ महाराज से बोले, महाराज आपका एक सुंदर बालक श्याम सलना सा सुंदर एक बालक जन्म ग्रहण किया है। दशरथ महाराज सुनते ही प्रसन्न हो गए। ऐसे ही भरत लक्ष्मण चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार बालक जन्म हुए। राजा पूरा अयोध्या में ढिंडरा पिटवा दिए, लाला हुए हैं। सबके सब बधाई देने के लिए आओ। जितने अयोध्या वासी थे सबके सब 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके और सबके सब तरह तरह का उपढ़व बन लेकर के उपहार लेकर के सबके सब आए और श्री दशरथ महाराज को बधाई दे रहे हैं। अभी दशरथ महाराज को बधाई दे रहे हैं। आप लोग बधाई का कीर्तन सुना, कैसे अयोध्या वासी कैसे बधाई गा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की में राम जी जन्मे का बाउते पवन का बाउते कहवा में राम जी जन्मे कहा जो यही मंगल
Oh, yeah.
Shiva Jaya Jaya
आरती को शोभा जय जय गोरा चंदे आरती को शोभा नाम कटो बने जब मन Hare Bohu
कोटि चंद्रोदिनी Oh,
आज के आनंद की जय जय श्री राधा।